तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, 2.5 लाख रुपए की लूट हो जाती है, गाड़ी भी लूट कर फरार हो जाते हैं। व्यापारी हैं एक जो दिल्ली जा रहे थे, और ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, उनके भाई मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की तमाम टीमें मौका वारदात पर पहुंच चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मौका वारदात से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पुलिस की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। गाड़ी लूट कर फरार हो गए हैं। एक बड़ी लूट की वारदात हुई है, एक बड़ी लूट की वारदात हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीमें मौके पर हैं, दिल्ली जाते हैं हफ्ते में, उसके बाद जो है ये बड़ी वारदात हो जाती है, ये बड़ी वारदात हो जाती है। और लिफ्ट दी 2 लोगों को, उसके बाद देसी कट्टा मारा और उसके टांग पे गोली मारी, और उसके बाद 2.5 लाख रुपए की राशि और गाड़ी लूटकर फरार हो गए हैं। ये बड़ी वारदात देख सकते हैं, बड़ी वारदात इस समय नेशनल हाईवे करनाल में हुई है, आप देख सकते हैं। जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें मौका वारदात पर मौजूद हैं, CIA की टीमें मौके पर मौजूद हैं, डायल 112 की टीमें मौजूद हैं, थाना SHO थाना मधुबन के जो SHO हैं वो मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ी वारदात हुई है। और बड़ी वारदात के बाद आप देख सकते हैं दहशत में व्यापारी जरूर हैं, क्योंकि इस तरह की जो वारदातें हैं वो अब क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये सवाल अपने में बड़ा गंभीर है। एक तरफ नया साल है, कल भी एक चेन स्नैचिंग की एक बड़ी वारदात हो जाती है, करनाल में एक पर्स स्नैचिंग की वारदात हो जाती है, महिला को टक्कर मारकर स्कूटी पर महिला का पर्स छीन कर बाइक सवार लुटेरा फरार हो जाता है। और आज सुबह आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे करनाल पर एक बड़ी लूट की वारदात हुई है, एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। इस समय जो व्यापारी हैं उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने बताया कि नौकर के साथ जो है इनके जो भाई हैं वो जा रहे थे, सर्वेंट के साथ जा रहे थे, जो दिल्ली जा रहे थे। आपके हर बार वही जाता है साथ में, लड़का ही जाता है, एक लड़का है दुकान का, वही साथ में जाता है। तो ITI से लिफ्ट ली उन्होंने? हाँ जी, ITI से। तो कुछ बताया भाई ने, मुंह ढके हुए थे या वैसे ही थे? लड़के भाई से तो बात नहीं, लड़का कह रहा है मुंह पे चादर अपना जैसे शॉल वगैरह सर्दियों की लपेटी हुई थी। और दिल्ली के लिए लिफ्ट मांगी थी उन्होंने? हाँ जी। और बाद में 2.5 लाख रुपए लूट लिए? हाँ जी। ब्रदर की हालत कैसी है अभी? अभी तो चल रहा है, गोली पैर में ही है। गोली पैर में लगी है, देसी कट्टे से जो है ये वार किया गया है, देसी कट्टे से ये वार किया गया है। ब्रदर मौके पर मौजूद हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, क्राइम टीमें आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद हैं, जो थाना SHO हैं वो मौके पर पहुंच चुके थे, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो थाना SHO हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि एक बड़ा लूट का मामला सामने आया है। क्राइम टीमें आप देख सकते हैं, जो CIA की टीमें हैं वो मौका वारदात पर पहुंच चुकी हैं, और अपने आप में जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, हरियाणा के करनाल से मधुबन के पास, जहां पर ऑडी शोरूम के सामने एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है। एक व्यापारी जो अपने नौकर के साथ, जो अपने सर्वेंट के साथ हफ्ते में एक दो बारी दिल्ली जाते थे सामान खरीदने, स्पेयर पार्ट्स का काम है उनका, और ITI से उन्होंने 2 सवारियों को बिठाया, और वो सवारियों को बिठाना ही कहीं ना कहीं महंगा पड़ा, क्योंकि 200-250 रुपये प्रति सवारी किराए के चक्कर में आप समझ सकते हैं एक बड़ी लूट की वारदात हो गई है। CIA की टीमें मौके पर मौजूद हैं, थाना SHO मौके पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही जो CIA की टीमें मौके पर पहुंची हैं, मामले की जो तफ्तीश है वो गहनता से शुरू कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थी, डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। एक बड़ी वारदात हुई है, और आप देख सकते हैं थाना SHO मौके पर पहुंच चुके हैं, थाना CIA के जो SHO हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक बड़ी लूट की वारदात के बाद आप हैरान कर देने वाली ये वारदात जरूर देखेंगे, ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है, एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। थाना SHO से हमें मौके पर पहुंचे हुए हैं, थाना SHO से भी बातचीत करना चाहेंगे, उनके जो कारोबारी हैं उनके रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं SHO साहब इस समय मौके पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे हैं? जी सर, आज सुबह हमारे पास ये इवेंट आया था भाई, नए नीलकंठ के सामने दिल्ली रोड पर वारदात हो गई है, गोली गाली चल गई है, तो सूचना के आधार पर हम यहाँ आए। जो इंजर्ड है उसका नाम है अमित है और संजय है, सॉरी, जो इंजर्ड है उसका नाम संजय है, तो उसका भाई अमित यहाँ मिलेगा हमने,
और एक दूसरा और लड़का था वो तो उसके साथ था, वो भी काम करते हैं व्यापारी है। ये स्पेयर पार्ट की दुकान है इनकी। तो दो लोगों को लिफ्ट दी इन्होंने बता रहे हैं। हाँ, ये वहाँ से गांधी चौधरी कॉलोनी से चले थे करनाल से, और ये नमस्ते इसमें के नाम अपने नमस्ते आई टी आई चौक के पास से वहाँ दो लड़के खड़े थे, उन्होंने इशारा करा, उन्होंने गाड़ी में सवारी समझ के उसको बैठा लिया। 2.5 लाख रुपए और गाड़ी लूट गए। पैसे के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, वो बयान लेंगे उसके बाद। बरामद कर लिया है देसी कट्टा। हाँ, देसी कट्टा जो यहाँ मौके पर मिला था। घायल की हालत कैसी है सर? घायल की हालत अभी अमृतधारा में है, ठीक है। लोगों से अपील करेंगे राहगीरों से कि ऐसे लिफ्ट किसी को ना दें। भाई ये लोगों से हम बार बार अपील भी करते हैं, अनजान आदमी को गाड़ी में ना बैठाएं। जो अनजान गाड़ी में बैठाने से फिर ये इस तरह की वारदात हो जाती है। कितने बजे का मामला है जी? ये घर से चला था ये 7:45 बजे करीब, और ये यहाँ 7:30 बजे करीब वारदात है। तो बिल्कुल, इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो SHO हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है, एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है। 112 की टीमें मौके पर पहुंच जाती है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 7:30 बजे करीब घर से चला है दुकान दिल्ली के लिए, दुकान का लड़का भी साथ में ही था। तो ITI चौक की तरफ से हम निकले हैं, ITI चौक पर उसको हाथ दिया किसी ने, दो लड़के थे 25-20 साल के, उनको उसने बिठाया है। तो मधुबन के पास आ गया अपना नए नीलकंठ स्टार के टावर के आगे, उन्होंने पहले हाथापाई करी है, फिर अपना गाड़ी से निकाल के पैर पे गोली मार के गाड़ी खींच के ले गए। ऐसी गोली मारी थी? तो अक्सर लोगों को लिफ्ट दिया करते थे वैसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कैश होता है तो हम सीधा ही निकलते हैं। सर क्या क्या था? कैश था और सामान था। गाड़ी कौन सी थी सर? तो टाटा जेस्ट गाड़ी लूट कर फरार हो गए हैं, 2.5 लाख रुपए की राशि लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस अब तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, उसी क्राइम सीन से आप देख सकते हैं जहां पर एक बड़ी लूट की वारदात हुई है जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस की तमाम टीमें आप देख सकते हैं मौके वारदात पर मौजूद है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है हाईवे पर, क्योंकि एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। एक बड़ी लूट की वारदात के बाद आप देख सकते हैं दहशत जरूर हो जाती है व्यापारियों में, क्योंकि नए साल की शुरुआत आप देख सकते हैं इस तरह से वारदात हो रही है जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके वारदात पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मौके वारदात पर मौजूद है। यहीं से बताया जा रहा है कि गोली मारकर गाड़ी छीनकर जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए हैं। टाटा जेस गाड़ी बताई जा रही है, और अब पुलिस की तमाम टीमें मौके वारदात से आप देख सकते हैं मौके वारदात से रवाना होती हुई, और CCTV कैमरे की फुटेज को खंगालेंगे, जिसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हुए ये बड़ी एक लूट की वारदात हुई है, जिसके बाद SHO मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। देसी कट्टा मौके वारदात से बरामद हो गया है, काफ़ी बड़ा देसी कट्टा था जिससे गोली मारी गई है। आप समझ सकते हैं इस तरह की जो वारदातें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कल करनाल में एक बाइक सवार लुटेरा महिला की साथ स्नैचिंग कर फरार हो गया, स्कूटी में पहले टक्कर मारी और उसके बाद वो ऊपर सीन कर फरार हो गया महिला का, और आज सुबह एक बड़ी लूट की वारदात हो गई। आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए की राशि और एक टाटा जैस गाड़ी लूट कर फरार हो गए हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय हम मौजूद हैं करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें मौके वारदात पर मौजूद है। एक व्यापारी जो स्पेयर पार्ट्स का काम करता है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ पर अपने करनाल से दिल्ली की तरफ जाता था, और उसके साथ एक सर्वेंट था, लेकिन उसने दो सवारियों को ITI चौक से बिठाया और उन्हीं सवारियों ने आगे आते ही यहाँ पर देसी कट्टे से उनके कान पर पीछे जोरदार तरीके से वार किया, देसी कट्टा दिखाया, 2.5 लाख रुपए की राशि जिससे वह सामान खरीदने जा रहे थे स्पेयर पार्ट्स का दिल्ली में, वो लूट लिए, उसके बाद उनकी गाड़ी लूट ली, और उसके बाद जाते जाते उनकी टांग पे गोली दे मारी, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आपने देखी, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस की तमाम टीमें मौके पर मौजूद है। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमें यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमें यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं, और अब आगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन लुटेरों को पकड़ दिया जाए। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।
पुलिस की तमाम टीमें मौका वारदात से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, एक बड़ी वारदात हो जाती है। एक व्यापारी जो स्पेयर पार्ट्स का काम करता था, उसने दो लोगों को लिफ्ट दी और उन्होंने ही देसी कट्टे से उनकी टांग पे गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की राशि लूट ली और उसके बाद उनकी गाड़ी भी छीन कर फरार हो गए। पुलिस की तमाम टीमें मौका वारदात से इस समय रवाना होती हुई नजर आ रही है। करनाल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, नेशनल हाईवे करनाल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच गई थी और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से जो छानबीन है वो पुलिस की टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर अब जो लुटेरे हैं उनकी तलाश की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, एक और सीआईए की टीम मौका वारदात पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, एक और सीआईए की टीम मौका वारदात पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, मामले की तफ्तीश गहनता से शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल के नेशनल हाईवे से जहां पर सीआईए की टीमें मौका वारदात पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। स्पेयर पार्ट्स का काम करने वाले एक व्यापारी के साथ जो है लूटपाट हुई है, 2.5 लाख रुपए की राशि उनकी टाटा जैस गाड़ी लूटकर फरार हो गए हैं। वह अपने सर्वेंट के साथ दिल्ली जा रहा था, जिसकी लाइव वीडियो समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मौका वारदात पर सूचना मिलते ही जो इलाका डीएसपी है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। डीएसपी सोनू नरवाल मौके पर मौजूद हैं। मामले की तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई है। सीआईए की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं। ये लाइव वीडियो इस समय नेशनल हाईवे करनाल से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी वारदात हो गई थी, एक बड़ी लूट की वारदात हो गई थी। गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की राशि एक टाटा जैस गाड़ी लूटकर लुटेरे फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमें मौके पर हैं। सूचना मिलते ही डीएसपी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। इस समय लाइव वीडियो आप नेशनल हाईवे करनाल से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी वारदात हुई है लूट की। देसी कट्टे से गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस समय सूचना मिलते ही जो डीएसपी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, थाना एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंचे हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। जो डीएसपी हैं उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी लूट की वारदात हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी सर जो वारदात हुई है? डीएसपी साहब मौके पर मौजूद है सर, कैसे वारदात हुई और क्या वारदात हुई है? ये व्यापारी बता रहे थे अपने आप को, और उन्होंने वहाँ आईटीआई चौक से दो बंदों को लिफ्ट दी थी। उनको ये नहीं पता था कि ये कौन है, अननोन व्यक्ति थे वे। उन्होंने उनकी सहायता के लिए उनको लिफ्ट दी और उन्होंने यहाँ आके रास्ते में अपना नीलकंठ के सामने उन पर फायर किया, जिससे कि अपना ड्राइवर था वो घायल हो गया। हाँ, उनकी गाड़ी छीन के भाग गए हैं, जिसके जो ट्रेस कर दिया जाएगा सर? जी बिल्कुल, जल्द से जल्द उसको ट्रेस किया जाएगा और हमारी सीआईए की टीम उनके पीछे लगी हुई है अभी भी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं डीएसपी मौके पर मौजूद है। पूरी वारदात को जो है आप देख सकते हैं। इस समय डीएसपी का कहना है कि जल्द से जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। डीएसपी सोनू नरवाल मौके पर पहुंचे हैं और मौका वारदात से ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंच जाती हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जो है तफ्तीश करते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे पर एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और इस समय आप देख सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचे हुए और मामले की तफ्तीश करते हुए क्राइम सीन की नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। फोटोग्राफी की जा रही है। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची, एक व्यापारी की टांग में गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की नकदी और उसकी गाड़ी छीनकर फरार हो गए हैं। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इसी जगह पर जो है देसी कट्टा भी बरामद होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इस समय आप देख सकते हैं मौका वारदात से कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, 2.5 लाख रुपए की राशि और एक गाड़ी लूटकर लुटेरे फरार हो गए हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय अभी अभी हाईवे पर लूट हो जाती है। देसी कट्टे से आप देख सकते हैं, देसी कट्टे से जो है गोली मारी जाती है। पहले दो व्यापारी करनाल से रोजाना की तरह दिल्ली जा रहे थे, ये देसी कट्टे की आप लाइव वीडियो देख सकते हैं।
देसी कट्टा जो है पुलिस बरामद करती हुई नजर आ रही है। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, देसी कट्टा इस समय यहाँ पर मौजूद है। जो सर्वेंट है, आप कहाँ से कहाँ बैठे थे और क्या हुआ था? मैं कनेक्टर सीट पर बैठा था जी, उन्होंने एकदम गला पकड़ लिया जी, तो गड्डियाँ पे रोकी जी। तो आपने कहाँ से बिठाया था उनको? हमने आईटीआई चौक पे बिठाया था जी उनको। तो देसी कट्टे से भी गोली मार दी? पता नहीं कौन सा लेयर था जी। मैं तो बाउजी को मार दी गोली। हाँ जी, पैर पे मार रखी जी। और पैसे भी ले गए? पैसे भी ले गए जी। दो लोग थे वो? हाँ जी, दो फोन भी ले गए जी, मेरा और भैया का था जी। गालियाँ भी दे रहे थे? पूरी गालियाँ दे रहे थे जी। तो लिफ्ट दी थी आपने उनको? हाँ जी। आप रोजाना की तरह जाते हैं दिल्ली जाते हैं सामान लेने? रोज नहीं जाते जी, हफ्ते में एक बार जाते हैं। तो किराए के चक्कर में बिठाया था या वैसे फ्री? किराया देते हैं। हाँ जी, किराया देते हैं तो इसलिए बिठा लेते हैं, खाली जाते हैं जी। क्या नाम है भाऊजी का? संजय का। किस चीज का काम है? स्पेयर पार्ट का। किस चीज की दुकान है उनकी? स्पेयर पार्ट की। किस नाम से, कहाँ पे? न्यू प्रकाश के नाम से है, स्टैंड के सामने जी। आपका क्या नाम है? अमित जी। तो आप देख सकते हैं ये सर्वेंट है, लेकिन मौके वारदात पर आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। ये जो व्यापारी हैं उनके भाई हैं, ये सूचना मिलने के बाद में पहुंचे।